लगातार 5 घंटे पढ़ाई करने के बाद मैं पूरी तरह बोर हो गया। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़े। तो फिर क्या, पेट्रोल डलाया और निकल पड़ता हूँ अपनी मंजिल के बजरंगगढ़ फोर्ट। रास्ते में पड़ता है खूबसूरत सा जैन मंदिर, जिसके बाद मैं आगे बढ़ के पहुँच चुका हूँ बजरंगगढ़। हेलो गाइस, ये मेरा पहला ब्लॉग है। मुझे नहीं मालूम कैसा बनेगा, पर आज मैं आया हूँ बजरंगगढ़ फोर्ट। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के राजा ने रानी और दासी दोनों को यहाँ जिंदा चुनवा दिया है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं। यही वो दो दीवारें हैं जहाँ पर राजा ने अपनी ही रानी और दासी को दीवार में जिंदा चुनवा दिया। बजरंगगढ़ फोर्ट के बारे में और जानकारी लेकर मैं अपना सफर बरकरार रखता हूँ। बजरंगगढ़ फोर्ट की शुरुआत में पड़ती है एक बावली, जिसको जाने का रास्ता बहुत खतरनाक, पर जैसे तैसे मैं इस रास्ते को पार करके पहुंच जाता हूँ बावली। अच्छा, हमको सिखा रहा है। नीचे देखता हूँ तो बावली में पानी ही नहीं था, बस पत्थरों की एक दीवार बाकी थी। बावली का दृश्य कुछ इस तरीके से होता है, जहाँ ना जाने मुझे क्या मिल गया। ये क्या है? अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझ बैठा। क्या सोच है रे तेरी? बावली में बनी ये सुंदर सी मूर्तियां और कलाकृतियां ना जाने अपने अंदर कितने रहस्यों को समेटे हुए। किसने और क्यों बनवाए, इन प्रश्नों के साथ मैं आगे बढ़ता गया। रास्ते में एक छोले का पेड़ मिला तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई, जहां मैं ये समझता था कि इसमें से खाने के छोले निकलते। फिर मुझे मिलते हैं ये खूबसूरत से पेड़, जहां से मैं अपने सब्सक्राइबर से लिए कुछ फूल ले लेता हूं। इस तोप का नाम है रामबाण तोप। जब ये चली तो 6 किलोमीटर दूर बिलोनिया नाम के गाँव में जाकर गिरी, और आज भी इस तोप का गुला वहां पर सुरक्षित रखा हुआ है। इस खजूर के पेड़ को देखकर तो मुझे खजूर की याद आ गई, बाद में पता चला कि ये खजूर का पेड़ था ही नहीं। यह है राम जी का मंदिर। माना जाता है कि इसके सामने एक शिव जी का मंदिर भी हुआ करता था, पर उसे तोड़ दिया गया। मंदिर के अंदर जाकर मैंने श्री राम के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया और अपने सफर को जारी रखने से पहले मंदिर का परिक्रमा भी लगा। मंदिर की दीवारों पर श्री राम का नाम पूरे 11,000 बार लिखा हुआ था। मंदिर से आगे बढ़ने के बाद मुझे मिला एक पार्क, जहां मिली मुझे एक झोपड़ी, जिसके नीचे मैंने छाया ली और फिर यहां वहां टहलकर वापस से आ गया। कुछ देर आगे चलने के बाद मुझे मेरी लाइफ का पहला कोल्लू का बैल मिला, जिसका पहिया आज भी यहाँ रखा है और मैं इस पर खड़ा हुआ हूँ। कोल्लू का बैल देखने के बाद मैं गया मोती महल, जो 14th सेंचुरी में यदुवंशी द्वारा चलाया जाता था। राजपूत ने यहाँ 3 आक्रमण किए, तीनों निसफल रहे। आखिर में उन्होंने मुगल के साथ रजवंशियों को हराया और यहाँ से भगा दिया। राजा जय सिंह ने इसे आगे देखा। मुख्य द्वार पर ताला होने के कारण मैं यहाँ वहाँ से रास्ता खोज तो लेता हूँ और ऊपर चढ़ जाता हूँ। ऊपर का नज़ारा, वही क्या नज़ारा था। जैसे तैसे मैं ऊपर चढ़ तो गया, पर सच बताऊं तो नीचे आने में मेरी पूरी फट चुकी थी। 18th सेंचुरी में दौलत सिंधिया ग्वालियर के राजा ने यहाँ पर अटैक किया और इस किले को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और इसे ऐसा वीरान छोड़ दिया। तब से यहाँ पर कोई भी रूलर नहीं आया। अब बिना एडवेंचर के अगर किले से वापस आओ तो मज़ा ही क्या। बिना एडवेंचर का किला यानी कि बिना चटनी का समोसा। कुछ भी आगे चलकर मुझे ऐसी जगह दिखाई दी जहां पर राजा अपने कैदियों को बंदी बनाकर रखता था। ऊपर चलकर मैंने किले का चप्पा चप्पा छान मारा, सोचा कि कुछ तो मिल जाए, पर यहां कुछ भी नहीं था। पूरा किला खंडहर बन गया था। 2009 में बजरंगगढ़ किले को पर्यटन स्थल बनाने की नींव रखी गई। बजरंगगढ़ का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, आखिर इसे कैसे छोड़ देता। ये मंदिर, मान्यता है कि इस मंदिर पर स्वयं श्री हनुमान जी आया करते, पर उनकी एक शर्त थी, वे इंसान से तभी मिलते जब वह उनसे एकांत में बात करता। समय के साथ साथ रानी और दासी दोनों यहाँ पर राजा और हनुमान जी की बातें सुनने पहुँच गई, और इतने में ही हनुमान जी ने क्रोध आकर यहाँ से कहीं और बसने का प्रण ले लिया और इस प्रकार राजा
ने रानी और रानी की दासी दोनों को ही यहाँ के किले में जिंदा चुनवा दिया। इतनी बार आने के बाद भी मुझे ये पता नहीं चलता कि आखिरकार इन मूर्तियों को इतना सजाकर यहाँ रखा किसने। आज भी मुझे इन मूर्तियों के शिल्पकार के बारे में कोई भी जानकारी नहीं। जब मैंने पास में पार्क देखा तो सोचा थोड़ी कसरत क्यों ना मैं भी कर लूं। कसरत करने के बाद इस पेड़ की ठंडी छांव में मैं बैठ जाता हूँ और फिर आगे के प्लान सोचता हूँ। मंदिर में आगे एक और गार्डन भी था जहाँ मैं अपने कदम रखता हूँ। वहाँ मिलता है मुझे एक रानी का महल। यहाँ पर रानी अक्सर ऊपर बैठकर पूरे बाग को निहारा करती थी। गुना के पास बजरंगढ़ किले में इकलौती जगह है जहाँ आपको नील कमल देखने को मिलेंगे। बहुत ही सुंदर। और मेरे मन में भी इच्छा प्रकट हुई कि मैं भी इन नील कमल को तोड़ूं। जैसे तैसे करके मैंने दो नील कमल तोड़ ही ली और वो रही ये दो नील कमल। इस चिलचिलाती घर में बस मैं कैरी मिनाटी के बारे में सोच रहा था। आगे चलकर मुझे एक और बावली दिखाई दी जिसके नीचे भी मैं उतरा, पर यहाँ पर भी मुझे पिछली वाली बावली की तरह बिल्कुल भी पानी नहीं मिला। आसपास देखने के बाद मैं वापस से ऊपर चढ़ गया और वहां से देखा कि सामने ही बहुत बड़ी खाई है। यहाँ तक आते आते मैं पूरी तरह थक चुका था और अपनी यात्रा पर पूर्ण विराम देने का भी समय आ गया था। यहीं तक था गाइस आज का ब्लॉग। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक ले गुड बाय, जय हिंद।